अपने किचन में, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चपली कबाब। उसके लिए हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किचन विद अलीना के चैनल को सब्सक्राइब करें। पास बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मेरी वीडियोज़ को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चपली कबाब बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बीफ मिंस यानी कि बीफ का कीमा लिया है मैंने 1/2 kg, साथ में लिया है कोरिएंडर, धनिया, फ्रेश कोरिएंडर ये 2 tablespoons है, चॉप की हुई प्याज ली है बिल्कुल ऑमलेट कट, यानी कि जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज चॉप करते हैं बिल्कुल वैसे ही 1/2 cup है ये, साथ में लिया है ग्रीन चिली, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 3 अदद मैंने, रेड चिली फ्लेक्स यानी कि जो बीजों वाली मिर्ची होती है वो मैंने ली है 1 tablespoon, सॉल्ट, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैं वैसे 1 teaspoon यूज़ कर रही हूँ, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/4 teaspoon एक चुटकी भर के, साथ में मैंने लिया है येलो कॉर्नफ्लोर 2 tablespoons, अगर आपके पास यानी कि ये मकई का आटा है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप बेसन ले लें 2 tablespoons और उसे रोस्ट कर लें, रोस्ट करके या फिर आप यूज़ कर लें, और अगर आपके पास बेसन भी नहीं है तो आप इसमें व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा वो 2 tablespoons यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने टमाटर लिए हैं स्लाइस कट किए हुए, देखें इस तरह से स्लाइस कट करके मैं चपली कबाब को जब शेप दूंगी, शेप देने के बाद इसे उसके ऊपर लगाऊंगी। अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद तो आप ये कर सकते हैं कि टमाटर को बिल्कुल ऑमलेट कट कर लें, ऑमलेट कट करने के बाद आप टमाटर को उसके अंदर ऐड करें, मिक्स करें और फिर चपली कबाब बनाएं। साथ में मैंने लिया है अनारदाना 1 tablespoon कुटा हुआ है ये, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 tablespoon, बटर 1 tablespoon मैं यूज़ कर रही हूँ, साथ में एक अंडा मैंने लिया है। बटर आप तब ऐड करें अगर आप अमूमन ऐसा होता है कि जो चपली कबाब होते हैं उनके लिए हम जो मीन्स कीमा यानी कि यूज़ करते हैं वो फैट वाला होता है, यानी कि चर्बी उसमें होती है, हम उसमें चर्बी रिमूव नहीं करते, तो इसीलिए अगर आप चर्बी वाला नहीं यूज़ करें तो फिर आप 2 tablespoon बटर यूज़ कर लें, और अगर आप चर्बी वाला यानी कि फैट वाला मीन्स कीमा यानी कि यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप क्या करें कि इसमें बटर आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये चिकन के साथ भी बना सकते हैं, उसके अलावा मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जब चिकन का कीमा आप इस्तेमाल करें तो हमेशा याद रखें कि अगर आप सीने का कीमा इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके चपली कबाब हार्ड हो जाएंगे, तो इसीलिए आप जब भी चिकन से बनाएं तो हमेशा सीने का कीमा और साथ में लेग का कीमा लिया करें, यानी कि 1/2 kg अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 pound आप चिकन का कीमा, चेस्ट का कीमा यूज़ करें और साथ में 1/2 kg आप लेग का कीमा यूज़ करें, फिर आपके चपली कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब मैं इन सब चीज़ों को कीमे में मिक्स करूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किए हुए अनियन, चॉप ग्रीन चिली, फ्रेश कोरिएंडर, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, साथ में मैं ऐड करूंगी येलो कॉर्नफ्लोर, आप रोस्ट किया हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं, साथ में अनारदाना ये 1 tablespoon था, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बटर, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बटर ना हो, लेकिन बटर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ऑयल आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। साथ में अंडा ऐड कर दूंगी मैं एक पूरा, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते नो इशू, आप इसे चॉपर में ऐड कर लें सबको, सब चीज़ों को, और फिर आप इसे अच्छे से चॉप कर लें। अगर आपका कीमा इसमें बारीक यूज़ होना है, अगर थोड़ा मोटा कीमा है तो आप उसे भी चॉपर में चॉप कर सकते हैं। मेरे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी मैं इसमें, 1 tablespoon था ये, साथ में मैं इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 teaspoon ये ऐड कर दूंगी। देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है,
अब आप अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं 20 to 30 मिनट यानी कि 20 से 30 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज़र में रख दें ठंडा होने के लिए। उससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनेंगे आपके चपली कबाब। और अगर आप फ़ौरन यूज़ करना चाहते हैं तो नो इशू, आप कर सकते हैं। देखिए एक तवा ले लिया है मैंने, इस पर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। उसके ऊपर 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है ताकि बिल्कुल बाजार जैसा ही टेस्ट आए। 20 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैंने देखें ऑयल ले लिया है, इसे मैं हाथों से इस तरह से ग्रीस करूँगी। इसे क्या होगा कि जब भी हम चपली कबाब बनाएंगे तो वो हाथों के साथ चिपकेंगे नहीं। अब मैं थोड़ा सा लूँगी मिक्सचर को, थोड़ा वो प्रेस करूँगी इसे इस तरह से। हमने इसे बड़ी सी शेप देनी है। देखिए इस तरह से ये मैंने शेप दे दी है इसे। अब मैं एक टमाटर का स्लाइस लूँगी इसे इस तरह से। इसके एक और स्टेप मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम बनाते हैं मीट के सीख कबाब तो इस चपली कबाब, तो उससे क्या होता है कि ये जब भी फ्राई होते हैं उसके बाद ये इस तरह से इसके सेंटर में काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, सेंटर से इकट्ठा हो जाता है ना, सिकुड़ जाता है इसीलिए। तो आप क्या करें, हमेशा ये एक टिप है कि अंगूठे से इस तरह से सेंटर से डंट मार दे इस तरह से। इससे क्या होगा कि ये सुकड़ेगा तो लेकिन कम, इस तरह से डंट मार दे। उसके बाद इसमें इस तरह से टमाटर का स्लाइस रखते हैं। अब जो हमने तवा प्री हीट किया था जिस पे घी ऐड किया था उस पे रखेंगे इसे इसी तरह से। देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैं और शेप लूँगी और उसे भी बना लूँगी और उसे भी फ्राई करेंगे हम। आँच को हम मीडियम टू लो रखेंगे और चपली कबाब को बिल्कुल बारीक प्रेस करके बनाएंगे, मोटा नहीं होना चाहिए ये। देखिए जैसे ही एक साइड से एक फ्राई होंगे तो हम इनके साइड आइस से चेंज कर देंगे। देखिए एक साइड से फ्राई हो गए हैं तो मैं इनके साइड चेंज कर दूंगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, तरह से मैं ये भी कर दूंगी साइड चेंज इसकी भी। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, कितनी प्यारी शेप आई है, कितना प्यारा कलर आ गया है इन पर। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी, पहले किसी किचन टॉवल पे यानी कि टिश्यू पेपर पे निकाले ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाए अच्छे से। देन हम इसे सर्विंग प्लेट में ऐड करेंगे। और देखिए हमारे जो बीफ चपली कबाब थे वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर डेली रेसिपीज़ एंड शेयर माई वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।